खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है, मतदान लगातार जारी है। सबसे पहली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की यह है कि 11 बजे तक महाराष्ट्र में 17% मतदान हुआ है और 12 बजे तक हरियाणा में 24% मतदान हुआ है। ये रफ्तार सुबह से बहुत धीमी थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है रफ्तार पकड़ी है वोटिंग ने। महाराष्ट्र में 17% मतदान हुआ है और हरियाणा में दोपहर 12 बजे तक 24% मतदान हो चुका है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, तमाम बॉलीवुड के सितारे पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता हम पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। रितेश देशमुख भी पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, उनके दोनों भाई इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, धीरज देशमुख और अमित देशमुख, लातूर ग्रामीण और लातूर शहर से। सुनील चावके मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, एक भाई बॉलीवुड में, दो भाई राजनीति में, हालांकि परिवार तो राजनीति से जुड़ा ही हुआ है। वोट डालने के लिए पहुंचे, क्या उम्मीदें आप देख रहे हैं दोनों भाइयों की जीत की? मुझे लगता है दोनों भाई जीत की बहुत आशा रखते हैं, क्योंकि लातूर ग्रामीण में जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो रिप्लेस करके वो सीट और गढ़ भी है शिवसेना को दी है, परिवार का गढ़ भी है वो। और विलासराव देशमुख, दिलीप देशमुख के भाई वहाँ से जीत के आते ही थे, तो ये एक परंपरा है ये जो अभी अगली पीढ़ी निभा रही है। इनके सामने जो चैलेंज है वो निलंगेकर पाटिल का है, जो मंत्री है वहाँ पर, और वो कितनी ताकत लगाते हैं लातूर में इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन अमित देशमुख जो राष्ट्रीय राजनीति से, वो सेक्रेटरी उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी AICC में, वो राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहकर वहाँ पर अपना काम करने में मगन रहे, तो उनका फोकस जो था वो लातूर में पहले अपना कंसोलिडेट करना, जो खोया हुआ जो आधार है वो वापस पाना, इसी पर उन्होंने फोकस किया था। और मुझे लगता है कि ये दोनों भाई जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की जो सीट थी वो शिवसेना के कैंडिडेट को दी गई धीरज देशमुख के खिलाफ। जी तो चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ये नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है एबीपी न्यूज पर, आप भी बने रहिए सिर्फ एबीपी न्यूज पर।